I'm Kuila no Naropno Kulungma Spanya Faro Kulungka. Jotono Opera Chakra. Honorable CM Purno Chandra Jamatia. Chairman Jagdish Debarma. EMs Animesh Debarma. Sohail. Former EM CM Bhutude Barma, MDCs Uma Shankar, Ganesh, Runil De Barma, Sodagar Galoy, former MDC Chandrajay Rupini, our Deputy CEO, and my loving and often सबके लिए एक्स एम पी मंत्री, लेकिन मेरे लिए मेरा राजमाता महारानी विभु कुमारी जी. अंग बिशी कौशालिया जोरा करुई. आज टाइम कम है, यहां से अगरतला जाना है. अगरतला भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है. उसके बाद हमको जमथुम जाना है. जमथुम से किल्ला वापस, और किल्ला के बाद टकर जला जम्पे जला. तो आज बहुत प्रोग्राम्स है, तो टाइम कम है. लेकिन आज बहुत हम पिपरासा लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. आज महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है, और जब तक पिपरासा, जब तक हम लोग का जो इंडिजिनियस लोग है, जब तक हम लोग अपना इतिहास को स्वीकार नहीं करेगा, जब तक हम लोग अपना जड़ को, अपना आइडेंटिटी को आप एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कोई दूसरा दफा, कोई दूसरा सोसाइटी आपको सम्मान नहीं करेगा. आज हम लोग खुबलुंग में आज हमने महाराजा वीर विक्रम का मूर्ति लगाया है. लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए, ये जो मूर्ति है, इसका जो पैसा जा रहा है, ये आपका रुपया नहीं है. ये हमारा परिवार ने रुपया कलेक्ट करके ये मूर्ति बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस दिन TTADC महाराजा वीर विक्रम का सम्मान करे, तो वो रुपया हम लोग को मूर्ति में नहीं, महाराजा वीर विक्रम के नाम में हमारा जो सेकला है, सिकली है, जो स्टूडेंट्स है, उनके नाम में एक स्कॉलरशिप फंड करना चाहिए. और उस स्कॉलरशिप फंड में हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो तिपरासा नेक्स्ट जनरेशन है, उनको हमको हेल्प करना चाहिए. ये फर्क है नेता में और बुबाग्रा में. हम आपका रुपए लेकर अपना नाम बड़ा नहीं करना चाहते. हम एडीसी का रुपए आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपना दफा के लिए हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं. आज तक आपने देखा होगा त्रिपुरा में बहुत मूर्ति है. कोई जो त्रिपुरा का था उनका है, कोई बाहर का है, कोई चाइना का है, सब जो मूर्ति बना है, कोई बंगाल का है, कोई बांग्लादेश का है, सब जो वो मूर्ति बना है वो आपका रंग से बना है, आपका रुपए से बना है. लेकिन अपना ही हाँ में हम लोग का इतिहास आज
इस स्थिति में पहुंच गया है कि हम लोग का इतिहास पे हम लोग का बुबागरा हो, हम लोग का कामी हो, भुकू तुसा को डुमा छोरा बना दिया, तियारी मैरांग को थल छोरा बना दिया, अस्तबल को विवेकानंद बना दिया, उजैनता पैलेस के सामने किसी और का स्टैचू लगा दिया। ये त्रिपुरा में हो रहा था, लेकिन त्रिपुरा बदल रहा है, तिपरा त्रिपुरा को बदलेगा। आज का तिपरा सा अपना इतिहास को जानता है, और आने वाला जेनरेशन में अगर तिपरा के बारे, त्रिपुरा के बारे दूसरा देश को मालूम करना है, अगर नागालैंड को त्रिपुरा के बारे मालूम होना है, दिल्ली को मालूम होना है, बॉम्बे को होना है, अमेरिका को जानना है, चाइना को जानना है, नागपुर को जानना है, बेंगलोर को जानना है, अगर हमारा राज्य के बारे जानना है, तो हमको अपना इतिहास के बारे खुल के बोलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होके बोलना पड़ेगा। और आज इसके लिए मैं यहां में आपके संग बहुत अच्छा लगता है, और मेरा एक सपना है कि खुमुलुंग को इतना अच्छा बनाए, खुमुलुंग को इतना अच्छा बनाए कि उसके सामने अगरतला भी फीका लग जाए। ये मेरा सपना, सिर्फ खुमुलुंग नहीं, अंबासा, कंचनपुर, सबरूम, तुईदू, अमरपुर, करबुक, खुआई, रामचंद्रघाट, सब जगह में हमारा तिपरासा का एक ऐसा होना चाहिए सिचुएशन कि कोई भी बाहर से आए बोले अरे यहां में भी एक राज्य था, महाभारत के टाइम से एक राज्य था, अरे यहां का भी एक इतिहास है। जो बाहर से आता है वो तिपरासा को देखे बोले अरे ये तो महाराजा वीर विक्रम है, अरे तिपरासा है वो, ये आज का बुबागरा का बुकुंबरा नहीं है लेकिन यहां में बुकुंबरा है, हां कि नहीं? ये हम लोग का इतिहास है, और बाहर के लोगों को इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपका घर में कोई आए, आपका कामी में कोई आए, तो सबसे पहले अगर आपने अपना हा का सम्मान नहीं किया, आपने अपना मां का सम्मान नहीं किया, आपने अपना दफा का सम्मान नहीं किया, तो बाहर का लोग आपको कभी सम्मान नहीं देगा। इसके लिए आज हम लोग ने ये किया। और शर्म का बात नहीं है, आप कहीं भी चला जाओ, सब जगह में स्टेडियम, एयरपोर्ट, रास्ता, सब पॉलिटिशियन के नाम में, प्राइम मिनिस्टर के नाम में, प्रेसिडेंट के नाम में, महाराजा किरीट विक्रम मेरा पिताजी था, उन्होंने जीबी पंत हॉस्पिटल में 25 एकड़ जमीन, जो जीबी हॉस्पिटल है अगरतला में, 25 एकड़ जमीन उसने डोनेट किया महाराजा ने। कहीं में नाम है, कहीं में एक मूर्ति है, कहीं में एक फोटो है, नहीं, लेकिन प्रद्योत माणिक्य अलग है। हमको अपना अधिकार, तिपरासा का अधिकार अब सबके सामने रखना है, शर्म का बात नहीं है। ये जगह हमारा है, ये हां हमारा है, ये राज्य हमारा है, और इस राज्य में अगर हमने अपना अधिकार दिखाया तो कोई शर्म का बात नहीं।
बुबाग्रा हमेशा बोलता है थानसा थानसा ओंगली। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का यह मतलब नहीं है कि इस पोडियम में नेता लोग एक है, उसको थानसा नहीं बोलता है। थानसा वो होता है जब चोरई और रियांग में झगड़ा नहीं होगा, देव बर्मा जमत्या में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, रूपिनी कोलर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, चकमा त्रिपुरा में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, रंगखोल मौसम में नहीं होगा, उच्चोई मूरा सिंह में नहीं होगा। पूरा 19 का 19 जब दफा एक होगा तब उसको थानसा बोलता है। और अगर वो थानसा हमने रखा, अगर वो थानसा हमने रखा तो बुबाग्रा आपको गारंटी करता है कि हमको किसी का दरकार नहीं है। ये लोग जो बात करता है अलायंस अलायंस, कुछ दरकार नहीं है हमको, सिर्फ एक अलायंस चाहिए, हमको सिर्फ एक अलायंस चाहिए। आप लोग का कमी में अलायंस होना चाहिए, आप लोग का दिल में तिप्रासा तिप्रासा का अलायंस करो, बाहर का पार्टी के साथ कोई अलायंस का दरकार नहीं। महाराजा वीर विक्रम ने एक ऐसा त्रिपुरा के बारे सोचा जो आधुनिक त्रिपुरा था, जहां में शिक्षा था, जहां में हमारा हाथ को बचाया गया था जब महाराजा वीर विक्रम ने लैंड रिजर्वेशन लाया, एयरपोर्ट, कॉलेज, जमीन, शिक्षा। महाराजा वीर विक्रम ने क्या नहीं किया, लेकिन कम उम्र में महाराजा वीर विक्रम का स्वर्गवास हुआ। अगर महाराजा वीर विक्रम आज जिंदा होता है तो आपको हम बोल रहे हैं यहां में हम लोग का बुरा लोग है, हम लोग का सैकला है, सिकली है, बुरी लोग है। आज त्रिपुरा का जो स्थिति है वो नहीं होता अगर महाराजा वीर विक्रम जिंदा रहता उस समय। और आज जो भी प्रद्योत माणिक्य कर रहा है, हमको जो ठीक लगता है, हमको जो लगता है कि महाराजा वीर विक्रम करता, मैं उसी रास्ते में चल रहा हूं। जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूं। कोई बाहर का आदमी आकर हमारे ऊपर हमारा मालिक नहीं बन सकता है, ये जगह हमारा है। तो आप लोग भी अपने दिमाग से हटा दो तिप्रासा का बॉस, तिप्रासा का मालिक और कोई नहीं है, हमारा तिप्रासा खुद का मालिक है, ये जगह हमारा है। आज ये मैं बोल सकता हूं बुबाग्रा है इसके लिए नहीं, क्योंकि वो परवरिश यहां में राजमाता है। मुझे इसके बाद गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जाना है, उसके बाद जमथुम, उसके बाद किल्ला, उसके बाद जम्पू झाला। लेकिन महारानी भी कुछ बोलेगा आज, आपको सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए मैं बोलूं? नहीं क्योंकि वो राजमाता है, क्योंकि मैं बुबाग्रा हूं, क्योंकि जब आप लोग सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब राजमाता क्या बोलेगा आप सुनेगा, तो जो दूसरा लोग है, जो थानसा नहीं चाहता है, जो बाहर का लोग है, जो हम लोग को बोलता है ट्राइबल, आदिवासी, उपजाति, वनवासी, उनको आपको सिखाना पड़ेगा कि हम लोग का इतिहास क्या है। जब तक हम लोग अपना ही इतिहास नहीं जानेगा, हम लोग किसी को सिखा नहीं सकता कि हम लोग कौन है। आज और एक बात मुझे कहना था, मैंने जितेंद्र चौधरी को खुद फोन किया, वो दिल्ली में है, उसको मैंने निमंत्रण दिया था, उनका काम है दिल्ली में, लेकिन उन्होंने जो मैसेज भेजा है
पॉजिटिव मैसेज भेजें, क्योंकि बुबागरा को थानसा चाहिए और महाराजा वीर विक्रम के नाम में अगर थानसा होगा अच्छा है। मैं अप्रिशिएट करता हूं जितेंद्र चौधरी का जो मैसेज उन्होंने भेजा था, आई पर्सनली अप्रिशिएट, मैं उसका अप्रिशिएट करता हूं। मैं वो भी अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि आज अगरतला में एक प्रोग्राम है, आज तक अगरतला में प्रोग्राम नहीं होता था, स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रहा है, मैं उसमें जाऊंगा भी। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि महाराजा वीर विक्रम के नाम में एयरपोर्ट किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन प्रद्योत मानिक्य उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेगा जिस दिन महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में प्लेन लैंड करेगा और पायलट भी तिपरासा होगा। उस दिन हम लोग का रियल अचीवमेंट होगा। मैं अनुरोध करूंगा फिर से हमारे सीएम को, हमारा चेयरमैन है यहां में जगदीश बाबू, कि एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया जाए डिजर्विंग तिपरासा स्टूडेंट्स के लिए महाराजा वीर विक्रम के नाम में। अगर हम लोग ये शुरुआत कर सकता है तो आने वाले दिन में हम लोग सबको हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन जितना भी हम लोग का क्षमता है उससे अगर महाराजा वीर विक्रम के नाम में एक स्कॉलरशिप फंड किया TTAADC ने, स्टाइपेंड थोड़ा सा दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा और हमारा तोहफा भी आगे बढ़ेगा। I urge and appeal to everyone, the media is here, media का आज ये media जो आपका YouTube में आता है, अच्छा भी लगता है कि यहां में IC अमूल्य, IC डंगोर, IC कॉक त्रिपुरा, IC चीनी खरांग, IC हक्तर। एक टाइम था जब हम लोग का तिपरासा का मीडिया वॉज नॉट देयर, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट there is more YouTube channels. I want the media to take one message, एक message जो मेरा है, आप ये message को YouTube में दिखाओ, क्योंकि YouTube का जो power है, digital media का जो power है, वो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं पूरे India में है। And that message is that we are a civilization, we were a kingdom, we are proud Tiprasas, and our history has to be understood, respected and learned by the whole of India. And I am not requesting anyone, I am demanding that today if I am forced to study about people from another country, then there is no excuse for us not studying about our own history, about our own Maharajas, about our own land, about our own culture. Today, the Tiprasa people, all the 19 tribes, know what is their constitutional right, and what we ask for is not against any community, not against any religion. What we ask is for dignity, and ours is a fight for existence and for our dignity and our pride. ये मैसेज आप ले जाइए और पूरा इंडिया को दिखाइए, क्योंकि आज का तिपरासा 2021 का तिपरासा रियल जवाब थानसा होके 2023 में एक बार तो जरूर देगा और बुबागरा आपके साथ रहेगा। बेलाइनो हम भाई, धन्यवाद, खुलुंखा।